वेल हेलो गाइस, ट्विस्टे एनिमे में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वेबटून के बारे में जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिव्यू बना दूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस वेबटून की बात करने वाले हैं, इस वेबटून का नाम है लुकिज्म। एंड इस वेबटून में आपको स्कूल लाइफ, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, ड्रामा, ये सभी जेनर मिल जाएंगे। एंड अगर आप एक मांगा रीडर नहीं हो तो आप इस वेबटून से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ना। अगर आपको इसको ईजिली पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मांगा रोक डेफिनेटिव का लिंक डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको पैड वर्जन भी फ्री में मिल सकता है। सो आप उसका यूज़ करें। तो आते हैं इसकी स्टोरी पर। वेल, इस वेबटून की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि डेनियल पार्क नाम का लड़का, जो कि काफ़ी छोटा और मोटा है, इस वजह से सभी लोग उसे बुली करते हैं। कोई उसे परेशान करता है, कोई बोलता है उसे चल पिकाचू बन जा, कोई बोलता है बल्बासौर बन जा। इस वजह से वो बहुत इरिटेट होता है, बट ये बातें वो अपनी माँ से कभी शेयर नहीं करता कि उसके साथ बुली होता है। बट वो अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दो किसी और स्टेट में। देन लेकिन उसकी माँ बहुत गरीब होती है, सो वो कहती है बेटा हम नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। सो इस वजह से वो बहुत परेशान होता है और टॉर्चर होता है। लेकिन वो कंबल में जाकर रोते हुए कहता है कि जानता हूँ मॉम, मैं बहुत गरीब हूँ। तो इस वजह से वो बहुत परेशान होता है। लेकिन एक दिन डेनियल को हिट करते हुए कुछ लड़कों को उसकी मॉम देख लेती हैं, जिस वजह से वो ठान लेती हैं कि मैं अपने लड़के को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करके रहूँगी। एंड वो उसे ट्रांसफ़र कर देती है। दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने के बाद डेनियल को एक लड़की दिखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने को गई होती है। डेनियल सोचता है कि शायद ये लड़की मुझे लाइक करती है, और वो उस वजह से उससे पूछ पड़ता है कि क्या हम तीनों टी पीने के लिए किसी रेस्टोरेंट में चले। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डेनियल को एक ज़ोरदार घींच के पंच मारता है और डेनियल को बहुत बुरी तरीके से चोट लगता है। इस रीज़न से वो अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर बहुत रोता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे इस लड़के के साथ। और ये रोते रोते उस बात पे सो जाता है। एंड उसी रात उसके साथ एक चमत्कार होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अलग बॉडी में पाता है। और वो इस बात से बहुत शौक होता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं अलग बॉडी में कैसे आ गया। और उसकी बॉडी काफ़ी सेलिब्रिटी टाइप दिखती है यार, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्मार्ट गुड लुकिंग दिखता है। इस वजह से वो अपना मेंटेन करता है टाइम कि अगर मैं 12 घंटे अपने ओरिजिनल बॉडी से काम करता हूँ तो 12 घंटे ये वाली बॉडी मेरी सोएगी, अगर मैं इससे काम करता हूँ 12 घंटे तो ये वाली बॉडी सोएगी। इस वजह से वो काफ़ी मेंटेन कर लेता है। एंड टाइम मेंटेन करने के बाद डेनियल अपने गुड लुकिंग बॉडी से स्कूल जाता है, और जो उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है उससे वो पार्ट टाइम जॉब करता है नाइट में, जिसकी वजह से वो दोनों को आराम दे सके। 12 घंटे ये काम कर सकता है तो 12 घंटे वो काम करे। सो इस तरह से वो मेंटेन कर लेता है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें और भी सीखने को मिल जाएंगी, और भी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जैक हो गया, जय, वॉस्को, ये सभी कैरेक्टर भी काफ़ी कैची हैं। आप इनसे पर्सनली काफ़ी अटैच हो जाएंगे क्योंकि इनकी बैक स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। और भी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। लाइक लेने के चक्कर में लोग कैसे अपने आप को सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं, और गैम्बलिंग यानी जुए खेलने में कैसे लोग अपने आप को बर्बाद करते हैं, ये सब भी आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गैंगस्टर और भी बहुत सारी चीज़ें, फाइट तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो इस पे कोरियन ड्रामा भी बना है, बट मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने उसका पहला एपिसोड देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेबटून ही पढ़ो। सो यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेकर कुछ नया, तब तक के लिए गुड बाय।